Welcome to my Saipada English Grammar channel. This is Vandana here. Friends, before going to start, I have a request to you. Please like and subscribe my channel and don't forget to click the bell icon so that you can receive my next videos notifications. Friends, today in this video, I want to make you aware how to analyze the sentence complex sentence. Means ki tarah se aap complex sentence ko analysis karoge. So friends, once again, I would like to say that please watch this video till end and please be with Vandana and learn the grammar sikhte rahiye mere sath bane rahiye. So friends, let's get started with today's topic, how to analyze complex sentences. Analysis of complex sentence. Okay. First of all, you will try to understand what is complex sentence. Complex sentence means one main clause होती है friends, one main clause or one or more subordinate clause में इसमें एडजेक्टिवल क्लॉज क्लॉज नाउन क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज. तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, वन आर मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं और सबॉर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिवल नाउन और एडवर्बियल क्लॉज होते हैं और इसमें हम सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं. सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके. फॉर एग्जांपल, बिकॉज, इफ, व्हाट, वेयर, व्हाटएवर, व्हेन, ओके. तो दीज आर सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो ये तो आपने मेन पॉइंट समझ लिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या रूल्स होते हैं. फर्स्ट इज वन मेन क्लॉज होती है, वन आर मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है. सबॉर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिवल क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज हो सकते हैं. सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस इसमें यूज किया जाता है. तो फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ शुड बी एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, लेट्स सी द एग्जांपल. द बॉय who got the first prize, okay. अब यहाँ देखिए, the boy who got the first prize, इससे आपका complete sense नहीं निकल रहा है, okay. is my son. अब यहाँ पर आपका ये complete sense निकला. अब इसको मैं पहले अलग अलग कर दूं, मेन क्लॉज क्या है और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है. तो मेन क्लॉज आपकी हो गई फ्रेंड्स, द बॉय इज माय सन, दिस इज मेन क्लॉज, ये कंप्लीट हो गया. सबॉर्डिनेट क्लॉज मैंने बताया था, सबॉर्डिनेट क्लॉज व्हाट, हु, वेयर, व्हेनेवर, बिकॉज, इफ, इन सबसे स्टार्ट होते हैं. तो सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया फ्रेंड्स, उसमें हु गॉट द फर्स्ट प्राइज. अब यहां से फ्रॉम हियर टिल हियर दिस इज सबॉर्डिनेट क्लॉज. तो हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, ओके. तो दिस इज सबॉर्डिनेट क्लॉज. अब इसी को मैं इसमें बताऊंगी वर्ब क्या है. वर्ब फ्रेंड्स गॉट हो गया, ओके. गॉट वर्ब हो गया, इज हो गया, कि आपके वर्ब्स हैं. तो ये आपने देखा कि किस तरह से मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एनालिसिस किया है. अब नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, आई वांट टू मेक यू अवेयर प्रॉपरली हाउ टू एनालिसिस द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
Second is she wept bitterly. She wept bitterly as if she would die. अब ये देखिए इसमें आपका मेन क्लॉज क्या हो रहा है. मेन क्लॉज शी वेप्ट बिटरली, वह बहुत बुरी तरह से रोई या बहुत रोई. शी वेप्ट बिटरली, दिस इज योर मेन क्लॉज. अब एज इफ ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. एज इफ दिस इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तब यह हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज एज इफ शी वुड डाई, जैसे कि वो मर जाएगी. तो यहाँ पर शी वेप्ट बिटरली एज इफ शी वुड डाई. तो ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं. अब वर्ब क्या है फ्रेंड्स, वेप्ट वर्ब है एंड डाई वर्ब है. ओके, एंड कनेक्टिव क्या है इसमें, कनेक्टिव हो गया एज इफ जिसने मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया है. तो फ्रेंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. और तब तक के लिए आपकी वंदना आपसे विदा लेती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.